दोस्तों, हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई भी वेबसाइट पे जो लिंक हो आउटसाइड जाने के लिए ना, तो हम चाह रहे हैं कि उस पर कोई ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारा कोई सेफ लिंक लग जाए ऑटो में ना, तो वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये डेमो है, अभी कोई इस पर क्लिक करता है तो डायरेक्ट हमारे पास ये वेबसाइट खुल जाती है, जो कि इस ब्लॉगर थीम जो कि यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये उसका डेमो है, तो हम चाह रहे हैं कि ये डेमो देखने से पहले ये हमारा सेफ लिंक के थ्रू होके जाए। तो इसके लिए आपको जो है ना क्या करना है, ये हमारी थीम है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है MISMTech, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से ये लिंक खोल लें। मैं नाइट मोड हटा देता हूँ। तो ये सेफ लिंक हम बनाएंगे। स्टेप वन जो है आपके लिए, सबसे पहले तो आपका एक ब्लॉग होना चाहिए जो कि ब्लॉगर के अंदर होगा, और फिर हम जो है ना, ये जो कोड आपको दिख रहा है, इसके लिए हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर टेम्पलेट विच कैन सेफ लिंक पेज, और सेफ लिंक पेज विच हैव क्रिएटेड जस्ट क्रिएटेड दिस। तो आपको डबल क्लिक यहाँ कहीं भी करना है, तो ये आपको देखो कॉपी हो गया है कोड, सही ना। तो हम यहाँ पे आएंगे पेजेस के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे पेज पहले से बने हुए हैं, तो हम एक नया पेज बनाएंगे और उस पेज का नाम रखेंगे सेफ लिंक। सही है। और यहाँ पे सो HTML व्यू में आएंगे, और कोड हमने यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास जो हमारे पेज का एड्रेस है वो इस तरीके से हमने सेफ लिंक यहाँ टाइप कर दिया है, ये वाला, सही है। तो ये उम्मीद करते हैं ये ऐसे ही लिंक बन जाएगा, ठीक है। अगर लिंक कोई अलग सा बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप जो भी लिखेंगे, तो इसको हम व्यू करके फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फॉर एग्जांपल पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हमने इसको व्यू किया है, और इसका लिंक का नाम आ रहा है सेव लिंक 24, सही। तो आप लिंक कॉपी कर दीजिएगा यहाँ से, सही है, ये हमारा लिंक बन चुका है। तो ये ऑटो में कैसे काम करेगा, इसके दरम्यान हम कोई कंटेंट डाल देंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा लिंक बदल चुका है, तो हम यहाँ पे आके ये लिंक चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला काम, सही है। तो यहाँ पे आपका कोई कंटेंट होगा बीच में, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिएगा, कोई भी कॉन्टेक्ट एक्स वाई ज़ेड। अभी हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हाँ भाई ये काम कर रहा है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपने यहाँ बीच में कोई कंटेंट डालना है तो इसमें आप साइट मैप डाल दीजिएगा अपनी वेबसाइट, इसके दरमियान आपने कुछ लिखना है, कॉन्टेंट वॉन्टेंट लिखना है, सही है। तो ये तो हमारा काम तैयार हो गया, सही, इसको हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने आना है, ये हमारे पास CSS है, ठीक है। अब बेहतर है कि आप थीम की लोकेशन कोई देख लीजिएगा CSS की, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, कहीं पे भी ये सारी CSS की लोकेशन है, ठीक है, ये CSS है। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे CSS से कह रहे हैं योर कस्टम कोड हेयर, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जगह मिली, मैंने यहाँ पे है कोड डाल दिया, सही है, सेव कर दिया थीम को। ये अपनी CSS में आप देख लीजिएगा, सही है। तो आप इस तरीके से ये कोड डालेंगे, अगर आप ये चीज़ सर्च करेंगे ना, ये चीज़ जिस तरह का, तो आपको स्किन वगैरह आपका मिल जाएगा, या आप हेडर के अंदर स्टाइल का ओपन क्लोज टेग बना के उसके अंदर डाल दीजिएगा, सिंपल HTML में जो करते हैं। अच्छा, अब आपने ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड बेसिकली, जब आप मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं ना, तो आपका ये M1 आ रहा होता है, सही है। तो इस कोड को अगर हम सर्च करें, मिसाल के तौर पर ये चीज़ हम सर्च करें, तो ये आपको प्लेस मिलेगी मेरी वेबसाइट पे ना कहीं, मिसाल के तौर पर उसको मैं सर्च करता हूँ, ये देखो ये कोड मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है,
सबसे टॉप के ऊपर हेड का टैग के अंदर ना सेम कोड मैंने डाला हुआ है। अगर आप आपने नहीं डाला तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और आप डाल दीजिएगा अपने हेड टैग के अंदर, तो ये M1 रिमूव हो जाएगा ताकि मोबाइल के अंदर भी फिर ये काम कर सके ना, ये ऑटो जो सेफ लिंक है। उसके बाद आपके पास ये वाला कोड बचेगा, ये वाला कोड जो है ना, हर किसी की नॉर्मली वेबसाइट HTTPS के ऊपर इनेबल होती है ना, तो उसको आप छेड़िएगा नहीं, सही, इसको ऐसी गैजेट रखना है। और आपकी जो URL होगी ना, जो ऑटोमेट जनरेट होगी, मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पे होवर करते हैं तो ये आ रहा है हमारी, ये नीचे हमारे पास वेबसाइट आ रही है जेस्ट मैंगा मैगी ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये गायब हो गई, फिर आ गई। तो चाह रहे अगर जब आप ये वाला स्क्रिप्ट अप्लाई कर लेंगे तो आपको सारे लिंक जो है ना, सारे लिंक वो इस तरीके से नज़र आएंगे ना, इसके आखिर में ये चीज़ आपको, शुरू में आपका ब्लॉग एड्रेस होगा, आखिर में ये नज़र आ रहा होगा सेम सेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टेप क्लियर हो गए। अब स्टेप 4 के अंदर क्या करना है आपने, सॉरी स्टेप 3 के अंदर क्या करना है कि आपने बॉडी का जो क्लोज टैग हो रहा होता है ना, इसको ढूंढना है, ठीक है। और कह रहा है कि ये वाला जो कोड है ना, ये बिल्कुल आपको एंड के अंदर बॉडी जहाँ ख़त्म होती है ना कि टीम की बॉडी, ये बिल्कुल एंड में आप आएंगे इस तरीके से, ये आपको मिल जाएगा एंड के अंदर। ये देखो बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, बता रहा है। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ एंड हो रही है, हम यहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए ना। तो ये हमने यहाँ पे, अब हम रिप्लेस करेंगे ये वाला कोड, सही है। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ना, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो मैं आपको एरर दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको मैं समझा सकूँ क्या चीज़ है। अभी फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, और ये हमारे पास सेव करेंगे और ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं इधर से पीछे जा रहा हूँ, और अब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक, देखो होवर कर रहा हूँ, तो मिसाल के तौर पर मैं इस लिंक पे होवर कर रहा हूँ, सही, इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। अब देखिएगा मसला क्या आ रहा है। अब ये पोस्ट है ना, ये पोस्ट हम खोल रहे हैं, सही है, इस पोस्ट को हमने खोला और ये पोस्ट खुल गई। देखो इधर ये देख रहे कि आपका जो डेमो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, हम इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट ये हमने चेंज करनी है, योर ब्लॉग एड्रेस। देखो आप जैसे क्लिक करोगे ना, देखो योर ब्लॉग एड्रेस डॉट कॉम आ रहा है, तो ये तो आपकी वेबसाइट है नहीं, तो ये बड़ा एरर आएगा, तो आपने इस चीज़ को रिप्लेस करना है, सही है। आपने ये चीज़ कॉपी की और टीम में आए, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन ये HTTPS वगैरह आपने, और ये WWW हटा देना, ठीक है। तो अभी इसको हम .com हो गया, सही है, इसको हम अभी सेव कर देते हैं। और ये जो देख रहे हैं, वो जो पेज खुल रहा था वो यहाँ से खुल रहा था, सही है। यहाँ भी आपने अपनी वेबसाइट डालनी, याद रखना। ये दो जगहें हैं, आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है। जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये वाला जो मसला आ रहा है ना, ये जो अभी देख रहे हैं योर ब्लॉग एड्रेस, इसको ज़रा पेज को रिलोड मारेंगे
तो आपको ये वाला मसला हल हो जाएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए लेंथी बनाई है क्योंकि ये स्क्रिप्ट कोड जो है ना, इस पर मैंने जितनी पोस्टें बनाई लोगों को समझ ही नहीं आता और लोग पूछते रहते हैं यार ये काम ही नहीं कर रहा ये काम। बेसिकली इसके अंदर हम जो चीज़ें मिस कर रहे होते हैं ना, वो हम इस वजह से ये काम नहीं करता। अब ये देखें ये कोड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेमो भी देखना चाहेगा ना, तो पहले हमारे अब ये कट ड्राइव की लिंक है ना, मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो ये हमारे ऑटोमेटिक ऑटो सेफ लिंक खुल जाएगा। ऑटो सेफ लिंक के अंदर क्या होगा, टाइमर आप सेट कर दीजिएगा जितना टाइम सेकंड वगैरह चेक करना है। सेकंड आप थीम एडिट करेंगे ना, वहाँ से सेट होंगे, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। देखो अब जैसे मैं जनरेट लिंक पे क्लिक करूँगा, गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, देखो तो ये हमारे कट लाइफ की लिंक खुल चुकी है। कट लाइफ जो लिंक जो मैंने शॉर्ट किया हुआ था, इस लिंक का वो रिडायरेक्ट हो गया है इस पे ना। तो इस तरीके से आपका ये ऑटो सेफ लिंक जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में फिर भी पूछ लेगा। ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका ऑटो सेफ लिंक अभी काम कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के और मज़ीद इश्यूज़ आपको आ रहे हैं और वो हल आपको हल करके दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।